मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, पंजाब हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हम, हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं, 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, उन सारे बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफी सफलता नहीं मिली, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पे, अगले साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। इसमें मान साहब की सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। हमने 1,20,000 के आसपास जो मशीनें ली जो पराली को बीच में ही, जमीन के बीच में ही कर देती हैं। PAU ने एक ऐप बनाई, जैसे आप ऊबर ओला की कैप ऐप देखते हो कि आप उस पर अगर टच करते हो तो आपको आपके रीजन में 2-3 किलोमीटर की रेंज में जितने भी मशीनें अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, आप वहां जाके कॉन्टैक्ट नंबर सहित उसमें आ जाता है। हमने गुरुद्वारा साहब जो गांव में हैं वहां पे बार बार हमने वहां गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट्स करवाई कि पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत। गुरु नानक साहब ने पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा दिया। ये तीनों दर्जे हमने कायम रखने हैं।